बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको रेवेंट मरकज़ की मुकम्मल तफसीलात और वीडियो के ज़रिए से आपको रेवेंट मरकज़ सादा दिखा दूँ। ये रेवेंट मरकज़ का बाज़ार है और ये सामने 9 नंबर गेट है, जो मेन गेट है आजकल, जहाँ से जुमातों का आना जाना लगा रहता है। उसके लिए मेन जो गेट इस्तेमाल होता है वो 9 नंबर गेट है। और ये रेवेंट मरकज़ का बाज़ार आप देख रहे हैं माशाल्लाह, जहाँ से साथी रेवेंट मरकज़ से बाहर भी आ रहे हैं और अंदर भी तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। और ये हम अभी रेवेंट मरकज़ 9 नंबर गेट से अंदर आ गए हैं। ये माशाल्लाह ये 9 नंबर गेट, और ये मेन रास्ता जो रेवेंट मरकज़ की तरफ अंदर जा रहा है। ये इस तरफ बाएँ साइड पर अगर आप देखें मेरे बाएँ हाथ पर, तो ये इस्तकबालिया है जहाँ पर जुमातों का इस्तकबाल किया जाता है। और दाएं हाथ पर ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है, ये शोभा मस्तूरात का है। ये मस्तूरात की जुमातें जहाँ आती है, तो यहाँ पर फिर मस्तूरात की जुमातें क़्याम के लिए रुकती है। ये माशाल्लाह, ये अभी सामने, अभी हम रेवेंट मरकज़ के मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। और ये सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही है, जहाँ ये एक साइड ईंटों की है और एक साइड पर पलस्तर हुआ है ये सीमेंट का, ये मदरसा या रबिया रेवेंट है, जहाँ पर तुलबा तालीम हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बनकर निकलते हैं सारी दुनिया में। और ये माशाल्लाह, अभी हम रेवेंट मरकज़ मेन मस्जिद की तरफ आ गए हैं। और ये बैतुल खला वसल खाने और वज़ू खाने हैं माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं साथी वज़ू फरमा रहे हैं। और ये सामने माशाल्लाह, अल्लाह पाक क़यामत तक कायम और दायम रखे। ये आप रेवेंट मरकज़ देख रहे हैं माशाल्लाह, ये सामने आपके सामने माशाल्लाह, ये रेवेंट मरकज़ के मनाज़र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों का आना जाना, जुमातों का आना जाना अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे लगा रहता है माशाल्लाह। अल्लाह पाक क़यामत तक कायम दायम रखे, आमीन माशाल्लाह। अगर अभी हम जाएं इस तरफ, तो ये बेसमेंट की तरफ रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे गई है। अभी इंशाल्लाह मैं नीचे जाकर आपको बेसमेंट दिखाता हूँ, जो मस्जिद का बेसमेंट है, तहखाना है ये माशाल्लाह। अभी हम तहखाने में आ गए हैं, ये तहखाने के मनाजिर हैं। ये माशाल्लाह सामने तश्कील वाली जगह है, शोभा तश्कील वाले भाई यहाँ पर क़याम फरमाते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। और ये तहखाना, यहाँ पर माशाल्लाह सारा दिन जो जुमातें वापस आती है उनकी कारगुजारियाँ भी होती है। और एक मेंबर यहाँ पर तहखाने में भी बिल्कुल सामने है, जहाँ पर अक्सर पुरानों से बात होती है, जुमातों के साथ मुज़ाकरे होते हैं। और ये अभी हम ऊपर आ गए हैं वापस उसी रास्ते पर जहाँ से हम आए थे, ये 9 नंबर गेट के सामने वाला रास्ता। यहाँ से अगर हम अभी पहले नीचे गए थे, अभी ऊपर सैन की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी हम सैन की तरफ आ गए हैं। और ये अभी आप जो सामने देख रहे हैं, ये माशाल्लाह ये रेवेंट मरकज़ का सैन है। और ये सामने मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह पाक के रास्ते में निकले हुए भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक सबके घरों को सलामत रखे, अल्लाह पाक सबके बाल बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक के रास्ते में निकल कर दीन की मेहनत के लिए दुनिया के कोने कोने में जाने का आज़म करते हुए माशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकले हुए मेहमान हैं। अल्लाह पाक सब की हिफाज़त फरमाए, अल्लाह पाक इस मरकज़ की हिफाज़त फरमाए। और ये भी हम जा रहे हैं जी, ये ऊपर मस्जिद में हम आ गए हैं। ये कुछ मस्जिद के मनाज़र हैं माशाल्लाह, यहाँ पर भी मेहमानों का क़याम है माशाल्लाह। कुछ साथी आराम फरमा रहे हैं, कुछ ज़िक्र फरमा रहे हैं, कुछ तिलावत कर रहे हैं, कुछ नवाफिल पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। ये अभी रेवेंट मरकज़ के मेन हॉल की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पर मेन हॉल है, मस्जिद है।
جہاں پر ممبر رکھا ہوا ہے اور جہاں سے حضرات ہمارے جو اکابر ہیں وہ ماشاءاللہ یہاں سے بیان فرماتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، اور فجر کا بیان ہوتا ہے، دن کو 10 بجے ہدایات ہوتی ہے، 10 بجے کے بعد تقریباً مشورے کے 10:30 بجے کے قریب ہدایات شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتا ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد بیان ہوتا ہے، پھر مغرب کی نماز کے بعد کارگزاری ہوتی ہے، اور شب جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد بھی بیان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ کچھ مناظر ہے حال کے ریونڈ مرکز کا، یہ خوبصورت حال ماشاءاللہ اللہ پاک قیامت تک قائم دائم رکھے، اللہ پاک ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور یہ ابھی یہ سامنے گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں 10:08 ہوئے ہیں، اور یہ ریونڈ مرکز کا ممبر ہے جہاں کبھی حاجی عبدالوہاب صاحب بیٹھ کر بیان فرماتے تھے ماشاءاللہ۔ اور ابھی ہمارے اکابر جو اللہ پاک نے زندگیاں دی، اللہ پاک مزید لمبی زندگی عطا فرمائے، جہاں بیٹھ کر بیان فرماتے ہیں، یہ ریونڈ مرکز کا ممبر، اور یہ کچھ چھت کے مناظر ہیں، اور یہ ماشاءاللہ۔ ابھی ہم جا رہے ہیں آگے جہاں پر ہمارے اکابر رہتے ہیں، ان کے کمرے ہیں، اور جہاں پر مشورے کی جگہ ہے، جہاں پر صبح تقریباً 9 بجے کے قریب مشورہ ہوتا ہے، جہاں 24 گھنٹے کے سارے اعمال تقسیم ہوتے ہیں، اور پھر اگلے دن پھر 9 بجے کے قریب مشورہ ہوتا ہے۔ یہ جی آ گئے ہم، یہ کھڑکیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طرف بزرگوں کی جگہ ہیں قیام کی، اور یہ مشورے والی جگہ ہے، یہ سامنے ماشاءاللہ یہ حال ہے، یہاں پر مشورہ ہوتا ہے، اور یہ مقیمین کا کمرہ ہے جہاں پر مقیمین حضرات قیام فرماتے ہیں۔ یہ ابھی ہم واپس جا رہے ہیں مسجد کے حال کی طرف، اور یہاں سے باہر نکل کر آپ کو میں مزید انشاءاللہ مرکز میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اچھی کوالٹی میں ویڈیو بن جائے، HD کوالٹی ہو، جو آپ کو صاف مناظر نظر آ جائے۔ یہ ابھی انشاءاللہ ہم مسجد سے باہر جا رہے ہیں، اور یہ باہر کے مناظر ہیں جہاں ایک بس آ گئی ریونڈ مرکز میں، جہاں جس میں جماعتیں ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یہ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ٹینکی ہے، اور اس ٹینکی کے نیچے ہی بالکل ایک دکان ہے جہاں پر آپ کو ضرورت کا سامان مل سکتا ہے، صابن اور یہ کھانے پینے کی اشیاء، اور یہ کینٹین ہے جہاں پر آپ کو انشاءاللہ مناسب ریٹ پر کھانا ملتا ہے۔ یہ اس کینٹین کی ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہے، جو ہمارے اس چینل بیانات کلپس پر بھی موجود ہے پہلے سے، اور ہمارے دوسرے چینل ممبر وائس پر بھی انشاءاللہ کینٹین کی ویڈیو جو ابھی تازہ بنی ہے وہ مل سکتی ہے۔ اور یہ رستہ گیا ہے 1 نمبر گیٹ کی طرف، جہاں سے ساتھی آ جا سکتے ہیں۔ ایک یہ گیٹ کھلا ہے ابھی، اور 1 9 نمبر گیٹ کھلا ہے۔ 9 نمبر گیٹ پر رش اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہاں سے اسٹیشن قریب ہے، اور بسیں جو رکتی ہیں وہاں سے آتی ہے، اس لیے اس پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آج کل کیونکہ جوڑ کے دن ہے، الحمدللہ جوڑ چل رہا ہے پرانوں کا، تو یہ 1 نمبر گیٹ پر بھی آج کل رش ہے۔ ویسے عام دنوں پر 1 نمبر گیٹ پر زیادہ رش نہیں ہوتا، رش زیادہ 9 نمبر گیٹ پر ہی ہوتا ہے۔ یہ پانی کی سبیل ہے ماشاءاللہ، جہاں سے ساتھی پانی پیتے ہیں، اور یہ سامنے وضو خانے ہیں، بیت الخلاء ہے، اوپر غسل خانے ہیں جہاں پر اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے مہمان غسل کی جگہ ان کے لیے بنی ہوئی ہے، اور یہ کپڑے کی دھونے کی جگہ بھی ہے، اور یہ الحمدللہ یہ سارا فرنٹ ہے مسجد کا، جہاں پر یہ جو سامنے بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مہمانوں کی جو بیرون ملک سے مہمان آتے ہیں ان کے قیام کی جگہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ بیرون ممالک کے جو مہمان آتے ہیں وہ اس بلڈنگ میں قیام فرماتے ہیں، اور یہ سامنے مسجد ہے ماشاءاللہ۔ یہ مسجد کا سامنے والا حصہ ہے، اللہ پاک قیامت تک اس مرکز کو قائم اور دائم رکھے۔ اور یہ آپ کو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے پارکنگ کی، یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے جہاں پر جو ساتھی اپنی گاڑیوں میں تشریف لے کر آتے ہیں تو یہ ان کی پارکنگ کی جگہ ہے۔
ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत मनाजिर है। कोई भाई बिस्तर लेकर जा रहा है, कोई आ रहा है, और ये कुछ शोबे हैं। यहाँ पर तामीरात का शोबा है, ये स्टोर है तामीरात का, और इसके साथ वर्कशॉप है जहाँ पर अगर कोई मसला आ जाए गाड़ियों में या कोई मरकज़ में तामीरात का काम हो तो उनकी ज़रूरी अशिया, उनके औजार, उनके सारे ये स्टोर हैं। और यहाँ पर मुकीमीन हज़रात की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टोर का और तामीरात का काम चल रहा है। यहाँ पर इस मैदान में भी ये सामने जो छत के नीचे यहाँ पर कुछ एयर कूलर बन रहे हैं, जहाँ अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है तो उनके लिए कुछ इंतज़ाम हो रही है। ये अगर आप देखें सामने तो एक ये रास्ता है, जहाँ से अगर हम सामने जो ऊपर सैन में गए थे तो वहाँ से एक रास्ता निकला हुआ है इस तरफ, ये मतबख की तरफ ये रास्ता भी निकला हुआ है। इससे हम आए नहीं हैं लेकिन आपको दिखाते हैं। और ये है शोबा दवाखाना, जो साथी अगर बीमार हो जाए उसको उसके इलाज मुआलजे की ज़रूरत हो तो यहाँ से आकर अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ी सबीलिल्लाह दवाई ले सकते हैं और इनका डॉक्टरों की निगरानी में इलाज मुआलजा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी पैसों की लालच के बग़ैर अल्लाह पाक की रज़ा के लिए उनकी खिदमत की जाती है। और ये जो अभी अगर अभी हम इस तरफ आएँ तो ये दाएं तरफ बाएं तरफ अगर आप देखें तो ये कुतुबखाना है, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की किताबें मिल सकती हैं, माशाल्लाह फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात और फ़ज़ाइल हज, ये किताब नमाज और मसनून दुआओं की किताब ये यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं माशाल्लाह। ये जगह है जी कुतुबखाने की, और ये कुतुबखाने का इस कोने पर कुतुबखाने का स्टोर है जहाँ पर किताबों को स्टोर करके रखा जाता है, जो बाद में ज़रूरत के वक्त इज्तिमात पर और जोड़ पर उनके स्टाल लगाए जाते हैं पंडाल में। और ये शोबा लुकता है, अगर इस तरफ आ जाएँ कुतुबखाने के स्टोर के तरफ बैक साइड पर तो ये शोबा लुकता है, जहाँ पर दो महीने के लिए अगर कोई मरकज़ में गुमशुदा चीज़ मिल जाए तो उसको दो महीने के लिए अमानतन रखा जाता है, और दो महीने के बाद अगर उसका मालिक ना आए, अगर बैग वगैरह हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर मालिक का नंबर लिखा होता है तो वो उनको कॉल करके बुलाया जाता है, नहीं तो वो फिर ये बेच कर, तो ये पैसे मरकज़ में नहीं लगाए जाते, बिल्कुल किसी के इस्तेमाल में नहीं आते, बल्कि ये पैसे सारे मालिक की तरफ से दो महीने के इंतज़ार के बाद ये औकात हैं शोबे लुकता के, तो वो सारे पैसे फिर मालिक की तरफ से सदका किए जाते हैं, बिल्कुल इसका एक रुपया भी मरकज़ में नहीं लगाया जाता। जो शोबे लुकते में चीज़ें बेची जाती हैं उसके सारे पैसे सदका किए जाते हैं। और अगर इस तरफ आप आ जाएँ तो ये मतबख हैं, ये खाने पीने की जगह है, ये माशाल्लाह ये खाने की जगह है, जूता उतार कर दाखिल हो। अगर इस तरफ देखें तो ये ऊपर ये मतबख का हाल है, जहाँ पर बैठकर अल्लाह पाक के रास्ते में निकले हुए मेहमान खाना खाते हैं, ये भी फ़ी सबीलिल्लाह है, इसके कोई पैसे नहीं दिए जाते, ये बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए, बिल्कुल अल्लाह पाक की तरफ से मेहमानों के लिए इंतज़ाम हुआ है, अल्लाह पाक ही कहलाने वाली ज़ात है, और ये बिल्कुल अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम चल रहा है। और ये माशाल्लाह मतबख का तहखाना है, जिस तहखाने में अभी हम आ गए हैं, तो यहाँ पर कुछ इंतज़ामात हैं, ये प्याज़ वग़ैरह आपको सब्ज़ियाँ नज़र आ रही है, यहाँ पर खिदमत के साथ ही लग कर मेहनत करके खाना तैयार करते हैं। और ये मशीन है, ये गेट अभी बंद है, वरना आपको मैं रोटियों की मशीन भी दिखाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको मज़ीद भी बहुत सारा कुछ दिखाना है। तो ये दूध की जगह है जी, जहाँ पर दूध और दही तैयार की जाती है, और ये चाय की जगह है जहाँ पर चाय बनाई जाती है, माशाल्लाह तबारकल्ला, ये माशाल्लाह ये यहाँ पर चाय बनाई जाती है, और ये सामने दूध है और दही है जहाँ पर दूध और दही तैयार की जाती है माशाल्लाह जी। ये दूध दही वाली जगह थी। और इस तरफ अगर आप आएँ तो ये जो बेसमेंट आपको दिखा रहा था तहखाना, तो ये चाय की जगह है, जहाँ पर आपको चाय भी मिलती है, दही भी मिलती है, दूध भी मिलता है, और वो बंद भी मिलता है जो चाय के साथ खाया जाता है, दूध के साथ खा सकते हैं आप, दही के साथ भी खा सकते हैं।
बंद चाय, दूध और दही। और ये अभी टोकन वाली जगह है, ये टोकन ये औकात है 7:30 से 10 बजे तक, असर से जोहर तक, जोहर से असर तक, और 7:30 से ईशा तक। ये माशाल्लाह 9 बजे ईशा होती है, तो 7:30 बजे से 9 बजे तक भी ये खुला रहता है, जहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, दही खा सकते हैं और दूध पी सकते हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी खुला बड़ा हाल है, जहाँ पर आपको चाय मिल सकती है। ये कुछ मनाजर हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह ये चाय की जगह है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से चाय दी जाती है और ये मनाजर हैं माशाल्लाह। ये ऊपर वाली जगह है जहाँ से अभी आपको मैंने दिखाया था, ये वो छत है जहाँ से वो खाने वाली जगह है, और ये चाय वाली जगह है। ये अभी अगर हम यहाँ से बाहर निकलें तो फिर हम वापस ऊपर आ जाते हैं, ये मदबख्त वाली जगह, यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सामने फिर रायवंड मरकज़ में आ गए हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत साफ़ मौसम है, और अल्लाह पाक के रास्ते में आए हुए मेहमान, ये एक सीढ़ियाँ नीचे गई हैं चाय वाली जगह पर, और एक सीढ़ियाँ ऊपर गई है खाने वाली जगह पर। ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है रेवेंड मरकज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक क़यामत तक कायम और दायम रखे, और दीन की आली मेहनत को अल्लाह पाक क़यामत तक कायम रखे। और ये काली दाढ़ियों वाले, सफ़ेद दाढ़ियों वाले, नौजवान, बुज़ुर्ग, बूढ़े सब आपको नज़र आएंगे, जो माशाल्लाह दीन की आली मेहनत के लिए निकले हुए हैं, अपनी ज़ात पर भी मेहनत कर रहे हैं और सारी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाने की नीयत किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ बस्तियों में जाने की तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह। कितना खूबसूरत और नूरानी माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको दीन की आली मेहनत के लिए कबूल फरमाए। अभी हम आपको मज़ीद इंशाल्लाह लेकर जाएंगे रेवेंड मरकज़ के कब्रिस्तान की तरफ। ये अगर आप एक नंबर गेट से बाहर निकलें तो ये अभी हम एक नंबर गेट की तरफ जा रहे हैं। ये एक नंबर गेट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक 9 नंबर गेट है, एक नंबर गेट है। ये एक नंबर गेट है जहाँ से भी आप आ जा सकते हैं, और एक 9 नंबर गेट है जहाँ पर ज़्यादा रश होता है। ये एक नंबर गेट से हम बाहर आ गए हैं, तो ये सीधे हाथ पर कब्रिस्तान है, और ये बाएं हाथ पर ये बाज़ार है। और ये अभी हम कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, आपको कब्रिस्तान का विज़िट कराते हैं, जहाँ पर हमारे वो अकाबिर जिन्होंने सारी ज़िंदगियाँ लगा कर दीन की मेहनत करते करते इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं, इस दार फ़ानी को छोड़कर चले गए हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो इंतहाई मज़ों में होंगे, जो सारी ज़िंदगी दीन की मेहनत करते करते अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनके कब्र जन्नत के बाग होंगे इंशाल्लाह, और वो अपनी कब्रों में मज़े कर रहे होंगे। ये कुछ कब्रें हैं, और ये अभी हम जा रहे हैं आगे मज़ीद कब्रिस्तान की तरफ, और ये हमारे मेरे सीधे हाथ पर रेवेंड मरकज़ है, और ये मेरे बाएं हाथ पर आप देखें तो ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान के मनाजर हैं, और आप देखें तो ये सीधे हाथ पर ये रेवेंड मरकज़ के मनाजर हैं, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह रेवेंड मरकज़। और अभी हम इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कब्रिस्तान में जो हमारे अकाबिर हैं, तो ये हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए हैं। और ये सबसे पहले जो मैं आपको कब्र दिखाने जा रहा हूँ, ये मौलाना फ़हीम ख़ान साहब है, जो अभी अभी इनका इंतकाल हुआ जनवरी के महीने में, 2024 जनवरी को उनका इंतकाल हुआ 11 जनवरी को। और ये मौलाना अब्दुलरहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये अमानकोट नौशेरा के थे, जो रेवेंड मरकज़ के पहले तालिब इलम थे, और फिर शेखुल हदीस बनकर सारी ज़िंदगी दीन की मेहनत करते करते मदरसा अरबिया रेवेंड मरकज़ के उस्ताद, और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुलरहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी कब्र है। और अभी आगे जाते हैं मज़ीद, ये कुछ साथी दुआ वगैरह के लिए आए हुए हैं, जो दुआ करते हैं यहाँ पर, और कुछ सूरह फातिहा और तिलावत करके बुज़ुर्गों के लिए इसाले सवाब करते हैं माशाल्लाह। ये कब्र जो है, ये मौलाना एहसानुल हक साहब दामद बरकातम की वालदा है, हाजी मोहम्मद बशीर साहब की जोजा,
ये हाजी मोहम्मद बशीर साहब, ये अमीर तबलीगी जमात हाजी अब्दुलवाब साहब से पहले अमीर थे, और ये हाजी अब्दुलवाब साहब रहमतुल्लाह अलैह की कबर ये सामने देख रहे हैं। ये हाजी अब्दुलवाब साहब रहमतुल्लाह अलैह की कबर है, और इससे उसके साथ ही मौलाना जमशेद अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह की कबर है। माशाल्लाह ये मौलाना जमशेद अली ख़ान साहब, ये हाजी अब्दुलवाब साहब बहुत बेहतरीन जोड़ी थी, इन जोड़ी ने मिलकर बहुत काम किया। ये मौलाना ज़ाहिर शाह साहब, मोहम्मद ज़ाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो यहाँ के उस्ताद रह चुके हैं, बहुत पुरानी बात है। और ये है मौलाना मोहम्मद जमील साहब, जो इमाम थे रेवेंड मरकज़ के, उनका इंतकाल हो गया था 2018 में ही, जिस साल हाजी अब्दुलवाब साहब इंतकाल कर गए थे उसी साल मौलाना। ये है जी रेवेंड मरकज़, माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंज़र है, ये साथी आए हुए हैं। और ये है जी मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, बानी है रेवेंड मरकज़। अस्सलामु अलैकुम।